लाल किले की ये लाल दीवारें बीते 17 बरस से अभ्यस्त हो चुकी थी पंडित नेहरू के भाषण को सुनने, देखने और महसूस करने के लिए। लेकिन 1964 में एक नया शख्स आया जो ना तो नेहरू की तरह करिश्माई था, ना ही उसका व्यक्तित्व इस तरह आभा मंडल की तरह दुनिया में चमकता था, ना ही वो ऐसा शख्स था जो सपने दिखाता। दरअसल उस शख्स की पहचान दो लफ्जों में कही जा सकती थी, ईमानदारी और सादगी। जी, उस शख्स का नाम लाल बहादुर शास्त्री था। जब देश की बागडोर शास्त्री जी के हाथों में आई तो देश कुछ गहरे सदमों से गुजर रहा था। चीन का हमला लोगों की धमनियों में गुस्सा और बदला बनकर भड़क रहा था तो हार की मार एक किशोर राष्ट्र का मनोबल तोड़ रही थी। उस पर से जिस नेहरू में देश ने अपना वर्तमान और भविष्य देखा था, उनकी मौत ने पची खुची उम्मीदों को भी मिटा दिया। नेहरू के जूते में अपना पैर डालकर शास्त्री लाल किले तक पहुंचे तो जरूर, लेकिन सवालों के आसमान में आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे कि संकोची स्वभाव वाले शास्त्री करेंगे क्या। तो वो तो शास्त्री जी फैक्ट था कि भाई 17 साल एक हुकूमत कांग्रेस की रही, तो शास्त्री जी के सामने तो ये था कि भाई क्या कर सकते हो, ये नहीं कि जा हमने क्या ख्वाब देखा क्या कर सकते हो। तो तभी उन्होंने मिस मील कहा, जवान और किसान का एक नारा दिया क्या करते हैं। 1.5 साल के अपने छोटे से कार्यकाल में शास्त्री ने उसका जवाब दे दिया। हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। शास्त्री को चुनौतियां विरासत में मिली थी। वो एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जो आजादी के 17वें साल में था। पहला साल तो शास्त्री के लिए भी जैसे तैसे गुजरा, लेकिन दूसरे साल यानी 1965 में जमाने ने छोटे से कद वाले लाल बहादुर में एक बड़ी शख्सियत को देखा। भारत की अस्त व्यस्त व्यवस्था को देखकर पाकिस्तान ने युद्ध का राग छेड़ दिया। तब दुनिया ने देखा कि विनम्रता शास्त्री जी की कमजोरी नहीं थी। 15 अगस्त 1965 को लाल किले से शास्त्री ने पाकिस्तान को ललकारा। पाकिस्तान की बात आई तो उनका बड़े बहुत ही आक्रामक एक उनका रवैया देखने को मिला। एक ही वाक्य में उन्होंने कहा कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। 1964 के 9 जून को शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली थी। जिसे सत्ता का हनीमून पीरियड कहा जाता है वो उन्हें मिला भी नहीं। कांग्रेस के दिग्गजों की निजी महत्वाकांक्षाओं से टकराते हुए जैसे तैसे वो साल गुजरा, लेकिन 1965 भारत के लिए दो मोर्चों में मुसीबत लेकर आया। अजब त्रासदी का दौर था। कल्पना कीजिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान सपना पाले थे इस लाल किले तक पहुंचने का, और दूसरी तरफ देश सूखे से भी लगातार निपट रहा था। देश में एक खटका था, लेकिन बावजूद इसके संबल देने के लिए एक ऐसा शख्स प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में था जो लाल किले से उस वक्त जब गरजा तो लोगों ने एक वक्त उपवास करना शुरू कर दिया और जो कुछ था सैनिकों के लिए दान देना शुरू कर दिया। अजब दौर था वो। लेकिन शास्त्री जी उन लोगों में नहीं थे जो हालात के सामने घुटने टेक दें। उन्होंने पाकिस्तान से इस कदर लोहा लिया कि उसे लोहे के चने चबाने पड़े। लाल किले से जो ललकार लगाई थी उसे सरहद पर जवानों ने पूरा कर दिया। भारत युद्ध जीत गया। जब उन्होंने अयूब खान को हराया पाकिस्तानी युद्ध में 1965 के सितंबर अक्टूबर में, तब लाल बहादुर शास्त्री का नया रूप देखने में आया। शास्त्री जी ने युद्ध जीता, हिंदुस्तानियों का दिल जीता, लेकिन उनके दिल में एक कसक तो हिंदुस्तानियों की बदहाली को लेकर भी थी।
युद्ध की कब्र पर वो अपनी शाबाशी के शिला लेख लिखने वालों में नहीं थे। देश में सूखे की हालत थी, महंगाई बढ़ रही थी। लाल किले की प्राचीर से शास्त्री ने देश को आवाज लगाई, आज कीमतें बढ़ रही हैं, मूल्य बढ़ रहे हैं, जरूरी सामान भी ज्यादा कीमतों पर मिलता है। कपड़ा है, तेल है, चीनी, गुड़, दिया सलाई, छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में शामिल हैं, उनके दाम भी बढ़ रहे हैं और उसका असर किसान पर भी पड़ता है। मैं मंत्रियों की बड़ी बड़ी दावतें और पार्टियों को भी बंद करने की अपील करता हूँ। भूखमरी का भी सवाल था, सूखा भी था, इसके बावजूद उन्होंने अपने उदाहरण से लोगों से कहा कि हर सोमवार को व्रत रहिए, तो लोगों ने उनकी बात मानी, किसी ने आलोचना नहीं की। उनमें एक प्रधानमंत्री का गुण भी लोगों ने देखा कि ये आदमी खुद त्याग कर रहा है और हमसे भी त्याग करने की अपेक्षा रखता है। सबसे बड़ी समस्या साथी के सामने जो आई वो थी खाने की कमी, और ख़ास तौर से गेहूं की कमी, और गेहूं की कमी की पूर्ति उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने से उसको पूरा कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री को पंडित नेहरू का राजनीतिक वारिस माना गया, लेकिन पंडित नेहरू ने तो 17 बरस लाल किले के प्राचीर से भाषण दिए थे, और शास्त्री के पास तो सत्ता के लिए महज 18 महीने ही आए। लेकिन इन 18 महीनों में जब जब संकट गहराया, इसी लाल किले के प्राचीर से लाल बहादुर शास्त्री ने देश को एक धागे में पिरो दिया। जय जवान, जय किसान, सीमा से लेकर खलियान तक पूरा देश एक हो चला। भारत के आत्मगौरव को खंडित करने वाली चुनौती थी। अमेरिका ने कह दिया था हमारी ये बात मानो नहीं तो PL 480 बंद कर देंगे, यानी रोटी बंद कर देंगे। तब आह्वान किया था देश के लोगों को लाल बहादुर शास्त्री ने, एक वक्त की का भोजन छोड़ दो और अन्न में स्वावलंबी हमें हो जाना है। मुझे याद है उस समय कि गुजरात और आंध्र प्रदेश के तंबाकू की खेती करने वाले किसानों ने तंबाकू के पौधे उखाड़ कर गेहूं लगाने के काम शुरू किया था। 1965 में ही देश ने आजाद भारत का सबसे बड़ा अकाल भी देखा। लोगों के पेट खाली थे, उधर खजाना खाली था। उस पर से अमेरिका में जॉनसन लिंडसन की सरकार ने भारत को अनाज देने से मना कर दिया। बड़े बड़े तुर्रम खानों को समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध और अकाल के मोर्चे पर एक साथ शास्त्री लड़ेंगे कैसे। तब लाल किले की प्राचीर से शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान, जय किसान। वो नारे मैं समझता हूँ कि आप हमारे देश के लिए गरीब, ये सारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे ऐसा करेंगे आप क्या उनको लड़ाएंगे। जय जवान, जय किसान। वो जो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, वो देश की जो ऊर्जा है, श्रम की ऊर्जा है, युवाओं की ऊर्जा है, उसमें उनकी आस्था प्रकट करने वाली बात थी। ये नारा नहीं था बल्कि हताश, निराश, लाचार देश के सामने हौसलों की संजीवनी थी। शास्त्री ने लाल किले की प्राचीर से ही देश को बता दिया कि थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन भारत अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए ना तो किसी के सामने सर झुकाएगा, न किसी के आगे हाथ फैलाएगा। इसीलिए लाल किले से ही शास्त्री ने देश से एक अपील की, सप्ताह में एक शाम उपवास की, वो अनाज देश के काम आएगा। देश के लिए की गई उस अपील को शास्त्री ने पहले खुद पर आजमाया। प्रधानमंत्री आवास में तब सोमवार शाम चूल्हा नहीं जलता था। मुझे याद है हम लोगों ने उपवास सोमवार को बहुत अरसे तक उपवास किए। लाल किले की दरों दीवारों को वो दिन अच्छी तरह याद है जब शास्त्री ने मुश्किलों के भंवर में फंसी देश की नाव को किनारे लगा दिया। अब भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बनानी थी।
युद्ध और शांति के बीच 1965 का साल गुजर रहा था और 1966 हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। शास्त्री जी की काया अक्सर दुनिया को कहीं ना कहीं रोमांचित करती थी। इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री और इस काया में। दरअसल एक बार एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, भारतीय संस्कृति का मतलब है क्या? शास्त्री ने कहा, धोती, कुर्ता, गीता, गंगाजल और सिंदूर, और तो कुछ नहीं। और देखिए, पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री धोती कुर्ते में इस लाल किले के प्राचीर पर पहुंचा। लेकिन सवाल छोटी काया का नहीं था, बड़े ऐलान और बड़ी सोच का था। शास्त्री जी दरअसल एक बरस में ही समझ गए कि अगर हिंदुस्तान को पिरोना है तो अब बात सिर्फ सीमा या खलियान की नहीं, बल्कि संस्थानों को जीवित करना होगा, संस्थानों को बनाना होगा, खड़ा करना होगा। वजह भी यही है, 1965 में लाल किले के प्राचीर से जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया, अब ये देश लोगों के जरिए चलेगा और लोग संस्थानों में होंगे और संस्थान सरकारी होंगे। यकीन जानिए, 1965 में इस देश में एक दो नहीं बल्कि 124 सरकारी संस्थान बनकर खड़े हुए। अभी देश को आजाद हुए 18 साल ही तो हुए थे, कोशिशों के बावजूद गरीबी एक सच्चाई थी। देश का बड़ा तबका खाली पेट सोने को मजबूर था। ऐसे में शास्त्री जी के सामने एक बड़ी चुनौती अकाल बन गई। नेहरू के उद्योग धंधों पर जोर देने वाली नीति का सच सामने आने लगा था। ऐसी स्थिति में शास्त्री पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के नारे को सच बनाने में जुट गए। लेकिन वक्त इतना कम था कि लाल किले की प्राचीर से वो अपने इस वादे के सच होने की दास्तान नहीं बता सके। आज का करोड़ों किसान अगर ये इरादा कर ले कि हम एक आंदोलन के रूप में खेती की पैदावार को बढ़ाएंगे तो समय बदल सकता है, हालत बदल सकती है। कुछ हमें गांधी जी की उस भावना को अपनाना होगा, जब हम आंदोलन चलाते थे, गांव-गांव में जाते थे, और आज इस बात की ज़रूरत है कि हम गांव में जाएं, हम खेत खेत पर जाएं, हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठाएं कि एक देश के अंदर, गांव के अंदर किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने का एक आंदोलन चला देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब आज उस भावना से प्रेरित हों। भूखे मुल्क का पेट भरने के लिए अनाज का इंतजाम भी शुरू किया और कमजोर समझकर देश पर हमला बोलने वाले पाकिस्तान का मान मर्दन भी किया। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद शास्त्री जी शांति की दिशा में बढ़ चुके थे। तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद शहर में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए समझौता होना था, हुआ था। लेकिन समझौते के चंद घंटों बाद ही 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो रात इस देश को बहुत भारी पड़ गई। तो बरामदे में वो खड़े थे कुशीगन, तो कुशीगन ने मुझे देखते ही कहा कि इसमें सो। मैं जब आया तो एक खाने वाला कमरा और ड्राइंग रूम इकट्ठा था, उसमें खाने वाले टेबल पे रशियन डॉक्टर्स बैठे हुए थे और हमारे साथ डॉक्टर चुग गया था, वो भी बैठा हुआ था। तो वो भी उनको सवाल वाल कर रहे थे, तो मैं तो अंदर आया तो अब यहाँ पे कोई नहीं था, एक अकेले शास्त्री जी की बॉडी थी। 11 जनवरी 1966, देश सन्न रह गया क्योंकि युद्ध जयी और शांति जयी हमारा नेता लाल बहादुर शास्त्री कालजयी हो गया। जिन दीवारों को इंतजार था, जिन सीढ़ियों को, उनके पदचाप का इंतजार था और लाल किले के प्राचीर से देश अब भी जिन्हें सुनना चाहता था, वो शख्स मौन हो चला था। लेकिन किसे पता था कि इसके बाद का पदचाप शायद समूची दुनिया को
प्रसन्न कर देगा। बात लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी की हम कर रहे हैं, तो कल मिलेंगे इसी लाल किले के प्राचीर से इंदिरा गांधी के साथ।